बीएड फोर्थ सेमेस्टर 2022 का ये ह्यूमन्स राइट एजुकेशन का पेपर है। पेपर में तीन सेक्शन होते हैं, ए बी और सी। ए क्वेश्चन, जो ए सेक्शन होता है उसमें टोटल दस क्वेश्चन होते हैं। दस क्वेश्चन पे आपको 10 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन पे एक मार्क्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन, जो आतंकवाद क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद स्टार्ट होता है सेक्शन बी, जिसमें टोटल होते हैं पाँच क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन पे आपको पाँच मार्क्स होते हैं। तो ये देखिए आपके यहाँ से यहाँ तक पूरे जो है कि पाँच क्वेश्चन है, इसमें से आपको दिए जाएंगे आपको छः क्वेश्चन, उसमें से आपको पाँच क्वेश्चन करने होंगे। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन, सेक्शन बी में आपको पाँच क्वेश्चन करने हैं, और फिर आती है सेक्शन सी की बारी। सेक्शन सी में आपको दो क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 7.5 मार्क्स है, ठीक है। टोटल 15 मार्क्स हो गए, 15 यहाँ सेक्शन सी में, सेक्शन बी में 25, और जो हमारा सेक्शन ए है उसमें 10 क्वेश्चन, 10 नंबर, मतलब टोटल मिलाकर आपको 50 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं, नंबर्स होते हैं। इस 50 नंबर में से आपको अच्छे मार्क्स अगर लाने हैं तो ये पेपर बहुत बढ़िया है, आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली जो भी चीज़ें होती है ना, उसको यहाँ पे लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे जो CAA का पूरा नाम लिखिए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो इस वक्त आया था 2019 में, उसे खाली एक्सप्लेन करना है, पूरा नाम लिखना है। मौलिक कर्तव्य को परिभाषित कीजिए, सूचना का अधिकार क्या है, ओके। उसके बाद भाषा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उसका पेपर भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। जो कंपलसरी पेपर है वो सबको करना होता है, और इसमें तो ऑप्शन है, या तो आप ह्यूमन राइट्स ले सकते हैं, या तो फिजिकल हेल्थ एजुकेशन ले सकते हैं, और या फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग ले सकते हैं। तीनों में से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं ऑप्शनल में, बट ये पेपर बहुत ही ईजी होता है, इसे आप एक बार लेने के लिए ज़रूर सोचें। ओके, नाउ बाय।